हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का इसमें जो है स्टारबक्स में सारी कॉफ़ीज जो हैं ट्राई करने वाला हूँ। सारी कॉफ़ीज में मेरा मतलब ये है कि मैं स्पेशली फ्रैपेचिनोज यानी कि जो कोल्ड कॉफ़ीज़ होती हैं वो मैं ट्राई करूँगा। एंड बिल की टेंशन जो है मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गैस बिल आप भी जानते हैं स्टारबक्स में बहुत एक्सपेंसिव रहता है। सो गैस, खैर आज हम ट्राई ज़रूर करेंगे सारी कॉफ़ीज़ एंड आपको बताएंगे कि कौन सी कॉफ़ी बेस्ट है। एंड बाय द वे, मैं जब एंटर कर रहा था तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छी अच्छी कॉफ़ीज़ के मुझे कैटलॉग गेट पे ही दिख गए। सो गैस, चलिए मेरे साथ में अंदर और आप भी देखिए स्टारबक्स में कौन सी कॉफ़ी जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ पीने के लिए। बाय द वे, आज का एम्बियंस बहुत ही शांत है, क्योंकि गैस मैं थोड़ा सा जल्दी आया हूँ स्टारबक्स में। ये गैस आप लोग देख सकते हैं, बिलिंग वगैरह मेरी आसानी से हो गई है। एंड बाय द वे, यहाँ पे गैस कुछ इस टाइप का गैस जो है एम्बियंस है। सो ये आप लोग देख सकते हैं। हाय गैस, कॉफ़ी जो है मैंने ऑर्डर कर दिया है। अब वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से मेरा कॉफ़ी दोस्तों तैयार हो जाए। सो गैस, फाइनली मैं काउंटर पे आ गया हूँ अपनी कॉफ़ी लेने के लिए। और गैस कॉफ़ी मैंने ले ली है। अब गैस मैं चाहता हूँ अपनी टेबल पे एंड फिर आपको टेस्ट करके बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है कॉफ़ी का। और गैस ये जो ग्लास में पानी है, ये गैस जो है मैंने अपने लिए लिया है, क्योंकि मुझे प्यास बहुत तेज़ लगी थी। एंड गैस ये जो कॉफ़ी है ये मेरी कोल्ड कॉफ़ी है। सो अभी इसको मैं टेस्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं जो है पानी पी लेता हूँ, क्योंकि गैस मुझे प्यास बहुत तेज लगी है। क्योंकि गैस गर्मी बहुत थी बाहर, इसलिए गैस जो है मैंने जो है कोल्ड कॉफ़ी ही प्रीफर किया। मुझे हॉट पीने का बिल्कुल मन नहीं था, इसीलिए गैस मैंने जो है ये कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया है। ये गैस जो कोल्ड कॉफ़ी है, ये गैस जो है मैंने टॉल साइज़ में ऑर्डर की है। एंड गैस ये जो कॉफ़ी है, ये गैस मुझे टॉल साइज़ में 450 यानी कि 450 रुपये में मिली है। और इस कॉफ़ी का नाम गैस मोका कुकी क्रम्बल है। सो गैस ये आप लोग इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, दिखने में काफ़ी दोस्तों अच्छी लग रही है। इसके ऊपर गैस इन्होंने ओरियो की गैस जो है श्रेडिंग वगैरह की है एंड स्ट्रॉ भी दिया है मुझे साथ में। एंड इसमें गैस शुगर्स वगैरह भी मुझे साथ में दिया गया है एंड इस पे गैस इन्होंने मेरा नेम भी लिख दिया है। सो गैस ये आप लोग देख लीजिए, बस इतना ही है, इसमें शुगर वगैरह कुछ रखा हुआ है। सो चलिए बारी आती है इसको टेस्ट करने की। एंड इस कैफ़े में जो टेबल है मेरा, वो गैस एसी के बिल्कुल सामने ही है। सो गैस चलिए मैं अपनी कॉफ़ी को जो है टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे भी गैस 450 रुपये गैस मैंने खर्च किए हैं इस कॉफ़ी को पीने के लिए, तो आई होप टेस्ट भी इसका अच्छा ही होना चाहिए। चलिए इसमें स्ट्रॉ में डाल लेता हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। पीने में गैस ये कॉफ़ी काफ़ी टेस्टी है एंड इसमें जो कॉफ़ी का फ्लेवर है वो भी गैस बिल्कुल स्ट्रांग है एंड पीने में काफ़ी दोस्तों टेस्टी लग रहा है। हर एक सिप में गैस कॉफ़ी का अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। एंड क्योंकि गैस ये मोका कुकी क्रम्बल कॉफ़ी है, तो गैस इसमें चॉकलेट का भी कुछ कुछ फ्लेवर आ रहा है। एंड गैस मेरे अकॉर्डिंग जो 450 रुपीज़ इस टॉल ग्लास के लिए मैंने जो पे किया है वो मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन गैस इसका जो टेस्ट है इस मोका कुकी क्रम्बल कॉफ़ी का वो काफ़ी दोस्तों सही लग रहा है एंड पीने में भी काफ़ी टेस्टी है। तो मुझे जो 450 जो मैंने पे किया है मुझे तो वर्थ इट लग रहा है। एंड दोस्तों आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है, मुझे भी लग रहा था, बट टेस्ट के बाद मुझे वो जो प्राइस है वो सही लग रहा है, क्योंकि ऐसा टेस्ट जो है कोल्ड कॉफ़ी का वो गैस मुझे अभी तक कहीं भी नहीं दोस्तों देखने को मिला। इवन मैंने जो है बैरिस्टा में भी कॉफ़ी पिया है एंड दोस्तों मैंने जो है
कोस्टा कॉफ़ी में भी कॉफ़ी पिया है, लेकिन स्टारबक्स मेरा जो है काफ़ी ट्रस्टेड है एंड इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है। बाय द वे, ये कोई स्पॉन्सर या प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल नहीं है। आप भी समझ सकते हैं स्टारबक्स मुझे क्यों ऑफ़र करेगा कॉफ़ी के लिए, उसका वैसे भी इतना ज़्यादा बिकता है कॉफ़ी। सो ये आप लोग गैस देख सकते हैं, मेरा वो वाला कॉफ़ी हो चुका था ख़त्म। सो गैस मैंने जो है एक सेकेंड कॉफ़ी भी ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि एक कॉफ़ी से मेरा मन नहीं भरा एंड दोस्तों काफ़ी मुझे गर्मी भी लग रही थी। सो गैस आज के दिन मैंने सोचा मूड को काफ़ी चिल कर लेते हैं, इसलिए गैस मैं जो है सेकेंड कॉफ़ी भी जो है अपनी प्रिपेयर करा रहा हूँ। आप लोग गैस देख सकते हैं काउंटर पे मेरी जो है कॉफ़ी प्रिपेयर करी जा रही है एंड क्लोज से दिखाने को गैस अलाउड नहीं किया गया था, इसलिए गैस मैं जो है आपको अपनी टेबल से ही जो किचन का व्यू है मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड बाय द वे, ये गैस आप मेरे पीछे वॉलपेपर देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है इसका डिज़ाइन। एंड दोस्तों ये है स्टारबक्स का गैस जो काउंटर, एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड के दोस्तों ड्रिंक्स वगैरह के मेन्यू आपको ऑन डिस्प्ले ही देखने को मिल जाएंगे। एंड मेरी कॉफ़ी जो है शेफ़ प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड यहाँ पे गैस में भी होम डिलीवरी भी होती है, तो बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो प्रिपेयर वगैरह ये लोग करते रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं जब से मैं बैठा हूँ गैस तब से पैक ही पैक किए जा रहे हैं ऑर्डर्स को। यार गैस मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि गैस मैंने जब देखा कि जो कॉफ़ी थी वो किसी और को दे दी गई जो बनाई गई थी, एंड इसके बाद गैस जो सेकंड कॉफ़ी है ये गैस प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे लिए। एंड ये गैस आप लोग देख सकते हैं स्प्रे वगैरह इन्होंने कुछ किया है, एंड देन ये मेरी कॉफ़ी जो है वो ब्लेंड करेंगे, शेक करेंगे एंड देन मुझे जो है प्रिपेयर करके देंगे। ये पैदा हुई ये आप लोग देख सकते हैं, इस टाइप से गैस स्टारबक्स में आपके सामने ही आपके सामने काउंटर पे ही कॉफ़ी जो है वो प्रिपेयर करते हैं। शेफ़ एंड हाइजीन को काफ़ी दोस्तों ध्यान में रखा जाता है, पूरा का पूरा यहाँ पे जो शेफ़ वगैरह होते हैं वो मास्क पहने रहते हैं, सेफ्टी को दोस्तों काफ़ी फॉलो करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हाइजेनिक दोस्तों किचन है इनका। एंड इन्होंने कुछ स्प्रिंकल कर दिया है कॉफ़ी पे, एंड कि अब मेरी कॉफ़ी जो है रेडी हो गई है। आई होप कि ये जो कॉफ़ी है वो मुझे ऑन टेबल ही सर्व कर दी जाए, क्योंकि गैस काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है दोस्तों बार बार काउंटर से दोस्तों टेबल पे फूड को लाना। एंड शेफ़ काफ़ी बिजी हैं आप लोग देख सकते हैं, एंड पूरा का पूरा जो स्टारबक्स का आउटलेट है वो एक ही शेफ़ दोस्तों कंट्रोल कर रहा है, बिलिंग से लेकर के फूड को प्रिपेयर करने तक का एक ही जो है शेफ़ जो है पूरा का पूरा स्टोर जो है मैनेज कर रहा है। एंड मेरा जो टेबल है गैस वो एसी के बिल्कुल जस्ट सामने है, सो गैस बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे एंड मज़ा आ रहा है कॉफ़ी को पीने में। एंड बाय द वे, ये आप लोग देख सकते हैं कि जो सेकंड कॉफ़ी है वो गैस मेरी आ गई है, एंड इस बार जो मेरी कॉफ़ी है गैस आप लोग देख सकते हैं कि विथाउट नेम वाले ग्लास में मुझे सर्व की गई है। सो बाय द वे, मैं अभी आपको दोस्तों कंक्लूज़न भी बताऊंगा कि आपको नेम वाले ग्लास में स्टारबक्स में कॉफ़ी पीनी चाहिए या विथाउट नेम वाले में। सो बाय द वे, ये भी गैस जो ग्लास है वो टाल साइज़ का है, इससे पहले गैस जो मेरा ग्लास था उस पे नेम पड़ा था, इस पे गैस जो है नेम वगैरह नहीं पड़ा है। एंड दिखने में तो बाय द वे मुझे विथाउट नेम ही काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड इसको पीने के लिए भी मुझे स्ट्रॉ मिली है। सो फाइनल कंक्लूज़न मैं अभी आपको बताऊंगा, ये गैस आप लोग देख सकते हैं कि जो विथाउट नेम वाला ग्लास है इसके साथ में जो स्ट्रॉ मिला है कॉफ़ी पीने के लिए वो काफ़ी दोस्तों बड़ा है, एंड इस ग्लास का जो शेप एंड साइज़ है वो ऑर्डिनरी जो नेम वाला ग्लास होता है उससे भी दोस्तों काफ़ी बड़ा है। एंड सेम कॉफ़ी ही मैंने इसमें मंगवाई है, डिफरेंस केवल गैस ग्लास का है, एंड प्राइस भी गैस इस कॉफ़ी का सेम ही है, 450 रुपीज़, 450 रुपये की गैस
पहले वाली भी मेरी मिली थी एंड 450 की गैस ये वाली भी काफ़ी है। एंड दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं मुझे जो क्वांटिटी है वो गैस विथआउट नेम वाले ग्लास में दोस्तों इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ग्लास ज़्यादा लग रही है। एंड दोनों पे ही गैस स्टारबक्स का लोगो तो ग्लास पे आपको मिल ही जाएगा एंड साइड में भी गैस स्टारबक्स की इस पे ब्रांडिंग वगैरह है जैसा कि इस ग्लास पे थी। बाय द वे चलिए टेस्ट करके भी हम आपको बताते हैं। एंड दोस्तों बाहर से यही डिफरेंस था ग्लासेस में, सो चलिए मेन डिफरेंस इसके टेस्ट में भी चेक कर लेते हैं क्या टेस्ट में कोई डिफरेंस है भी या नहीं। सो बाय द वे ये आप लोग देख सकते हैं ये मेरी पहले वाली कॉफ़ी है, इसको गैस मैं साइड में कर देता हूँ। ये गैस मेरी नई वाली कॉफ़ी है एंड दिखने में दोस्तों काफ़ी अच्छी लग रही है एंड पीने में दोस्तों तो और भी ज़्यादा टेस्टी है पहले वाली से, क्योंकि गैस इसमें जो टेस्ट आ रहा है चॉकलेट का एंड दोस्तों कॉफ़ी का वो काफ़ी दोस्तों सही लग रहा है। एंड दोस्तों इसमें गैस जो स्ट्रॉ दिया गया है वो गैस पहले वाली स्ट्रॉ से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बड़ा है एंड मोटा है, तो गैस इसको पीने में काफ़ी दोस्तों इजी लग रहा है, क्योंकि गैस इसमें गैस कुछ मोका कुकी क्रम्बल के गैस कुछ पार्टिकल्स होते हैं गैस पीसेस टाइप के, वो भी गैस कॉफ़ी में ही दोस्तों पड़े रहते हैं, जो कि गैस पतली वाली जो स्ट्रॉ होती है उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस वाली स्ट्रॉ से गैस इजीली जो है कॉफ़ी के साथ साथ बिस्किट्स जो मोका कुकी क्रम्बल वाला जो बिस्किट है इन्होंने जो ग्राइंड करके इसमें कॉफ़ी में डाला है वो भी गैस जो है माउथ में आ रहा है इजीली। सो गैस पीने में काफ़ी दोस्तों ये इजी है बड़ा वाला ग्लास इन कंपैरिजन टू ये पहले वाले ग्लास से, बट प्राइसेस दोनों के दोस्तों सिमिलर ही हैं 450 एंड 450। सो ये आपकी चॉइस है, अगर आपको नेम वाला ग्लास चाहिए तो गैस आप जो है उनसे बता सकते हैं पहले ही। एंड वो बाय द वे अगर आप उनको नहीं बताएंगे जैसा कि मैंने नहीं बताया था सिर्फ कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया था, तो गैस आपको वो सिंपल वाले ग्लास में ही दोस्तों सर्व करेंगे कॉफ़ी। सो लोग ये सोचते हैं कि स्टारबक्स में कॉफ़ी महंगी मिलती है, तो हाँ ऐसा ज़रूर है, बट क्वांटिटी इनका दोस्तों सफिशेंट होता है, आप दोनों ग्लासेस में देख सकते हैं। बट ये जो फाइबर ग्लास है ये मोर देन दिस वन है एंड टेस्ट दोनों का ही दोस्तों अच्छा है। क्या दोस्तों आपने कभी भी एक साथ स्टारबक्स में दो कॉफ़ी ट्राई करी हैं? अगर की हैं एक साथ में दोस्तों मेरी तरीके से, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोनों का दोस्तों टेस्ट एकदम सुपर है। गैस ड्रिंक करने में काफ़ी टेस्टी है कॉफ़ी एंड सिप करने में बहुत अच्छा लग रहा है कॉफ़ी का टेस्ट, आई लाइक दिस टेस्ट ऑल्सो। वैसे गैस मेरे पहले वाले इस ग्लास में भी कॉफ़ी जो है बच गई थी आधे ग्लास से थोड़ा सा कम। सो ये बाय द वे बहुत नीचे की गैस जो है जमी हुई होती है, सो गैस काफ़ी टाइम लगता है इसको पीने में, क्योंकि ऊपर की तो ईजली आप स्ट्रॉ से पी सकते हैं लेकिन नीचे की जो कॉफ़ी होती है वो काफ़ी थिक होती है एंड क्रीमी होती है, जिसको गैस पीने में काफ़ी टाइम लगता है। सो ये आप लोग देख सकते हैं अभी भी इस ग्लास में जो कॉफ़ी है वो है और धीमे धीमे जब आप इसको सिप करेंगे तो वो आपके माउथ में जो है आएगी, और दोनों का दोस्तों टेस्ट जो है पीने में एक साथ तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड गैस मुझे ना अलग अलग कॉफ़ी पीने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, सो गैस चलिए मैं दोनों को एक साथ ही पीता हूँ जिससे गैस मुझे जो है जल्दी से ये कॉफ़ी फिनिश हो एंड दोस्तों कोई और कॉफ़ी जो है मैं ट्राई करूँ जल्दी ही, क्योंकि गैस हम आपके साथ में जो है कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा दोस्तों स्टारबक्स में कॉफ़ी बेस्ट है एंड कौन से ग्लास में जो है कॉफ़ी आपको पीना चाहिए, जिससे गैस आप जो है स्टारबक्स में जब आप आए यहाँ तो आप गलती बिल्कुल मत करें, क्योंकि गैस आपको स्टोर पे बहुत सारे वैरायटी एंड ड्रिंक्स के दोस्तों ऑप्शंस मिलेंगे।
सो आपको मैं बेस्ट ड्रिंक्स जो होंगे वही का सजेस्ट करूँगा। एंड प्राइस तो ऑलमोस्ट का है सारे ड्रिंक्स का ही दोस्तों एक ही जैसा है। कुछ ड्रिंक्स दोस्तों सस्ते हैं बट उनमें टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, आप चाहें तो वो ट्राई भी कर सकते हैं। बट जो बेस्ट ड्रिंक्स एंड कॉफ़ीज़ हैं वही गैस मैं आपको जो है प्रेफर करूँगा। एंड गैस ये आप लोग स्ट्रॉ की थिकनेस आप देख सकते हैं दोस्तों, इस ग्लास के कंपैरिजन में इस दोस्तों ग्लास में काफ़ी मोटी है, इसमें गैस पतली है, इसमें गैस मोटी है। एंड मोटी स्ट्रॉ से गैस कॉफ़ी पीने में काफ़ी दोस्तों ईजी रहता है एंड दोस्तों सिप करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। और दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ना विथाउट नेम वाले ग्लास में कॉफ़ी जो है क्वांटिटी में ज़्यादा दोस्तों मिलती है। एंड इस नेम वाले ग्लास में मुझे जो कॉफ़ी का पोर्शन एंड साइज़ होता है वो कम लगता है। खैर दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन से दोस्तों ग्लास में ज़्यादा अमाउंट में कॉफ़ी दोस्तों स्टारबक्स में दी जाती है। भाई दोस्तों इतनी देर से कोल्ड कॉफ़ी पीते पीते मेरे दांतों में दोस्तों बहुत ही ठंडा लग रहा है और तो बिल्कुल कॉफ़ी एकदम बर्फ़ है दोस्तों और पिए जा रहा हूँ ख़त्म नहीं हो रहा है दोस्तों। तो आप जो है दो कॉफ़ी लीजिएगा तो सोच समझ के लीजिएगा कि आपको दोस्तों इससे मन तो भर ही जाना है पूरा का पूरा। तो दोस्तों ऐसी गर्मी में कॉफ़ी पियेंगे अगर कोल्ड कॉफ़ी तो दोस्तों जितनी गर्मी आपके शरीर में होगी सब दोस्तों शांत हो जाएगी अगर आप दोस्तों दो कॉफ़ी पीते हैं तो। एक से शायद फ़र्क ना पड़े लेकिन दो से तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। एंड बाय द वे गैस मैं ना आउट ऑफ सिटी आया हूँ आज, क्योंकि गैस मुझे लखनऊ में थोड़ा सा काम था एंड मेरे सिटी में स्टारबक्स का कोई भी कैफ़े नहीं है। सो मम्मी का गैस फ़ोन आ गया है एंड वो मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हो। सो मैं उनको जो है वीडियो कॉल से दिखा रहा हूँ कि मैं स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने के लिए आया हूँ एंड यहाँ पे जो है मैंने जो कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर की है वो सब मैं दिखा रहा हूँ। एंड कैफ़े का जो व्यू वगैरह है वो कह रही हैं दिखा दो, तो वो भी गैस मैं जो है दिखा रहा हूँ। एंड मैंने गैस मम्मी से पूछा कि कॉफ़ी पियो तो मैं तुम्हारे लिए पैक करा के ले आता हूँ, तो उन्होंने जो है मना कर दिया। सो गैस मम्मी को जब मैंने दिखाया पूरा स्टारबक्स तो उन्होंने मुझसे कहा कि अकेले अकेले ही तुम आए हो और मुझे क्यों नहीं लाए हो। तो मैंने कहा अगली बार आएंगे तो तुमको भी लेकर के आएंगे। खैर दोस्तों स्टारबक्स में काफ़ी दोस्तों मज़ा आता है एंड दोस्तों यहाँ पे अगर आप वर्क के पर्पस से आना चाहते हैं तो वर्क के पर्पस से भी आ सकते हैं, मीटिंग के पर्पस से आ सकते हैं, या फ्रेंड्स आप कॉफ़ी पीने के पर्पस से भी आ सकते हैं। एम्बियंस यहाँ का दोस्तों काफ़ी सही लगता है मुझे एंड यहाँ पे जो फैसिलिटी भी दी जाती है वो भी काफ़ी अच्छी है, सर्विस भी काफ़ी अच्छा है। बट प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है बिकॉज़ यहाँ का जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छा है एंड स्टाफ जो है वो काफ़ी दोस्तों हाइजीन को मेंटेन करके रखते हैं। एंड दोस्तों काफ़ी मुझे यहाँ का टेस्ट भी अच्छा लगता है एंड ड्रिंक्स भी काफ़ी मुझे पसंद है। एंड फूड जो है मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि गैस मैं अभी घर से लंच करके आया था, सो मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं था, सिर्फ दोस्तों कॉफ़ी पीने का मन था। इसीलिए गैस जो मैंने जो फूड होता है यानी कि स्नैक्स वो दोस्तों नहीं लिया था, सिर्फ मैंने जो है कॉफ़ी ऑर्डर की है। चलिए गैस जो है मैं इसके कैप को हटा के इस कॉफ़ी को फिनिश कर देता हूँ। बाय द वे आप सोच रहे होंगे कॉफ़ी पीने में काफ़ी समय लग रहा है, तो हाँ ऐसा है क्योंकि अगर आप आएंगे स्टारबक्स में तो इसमें आपको भी टाइम लगेगा पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लास का साइज़ है एंड दोस्तों मैंने ना दो ग्लास लिया है कॉफ़ी तो काफ़ी बड़ा ग्लास है, दोनों ही ग्लास काफ़ी बड़े हैं तो टाल ग्लास साइज़ है, तो पीने में टाइम तो भाई लगेगा ही। एंड चलिए जल्दी से फिनिश करते हैं। एंड दोस्तों कोल्ड कॉफ़ी इसलिए गैस मैं पी रहा हूँ क्योंकि गैस गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा मन भी था कोल्ड कॉफ़ी पीने का, एंड तीसरी चीज़ मेरे सिटी में स्टारबक्स नहीं है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए गैस मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से ढेर सारा जो कॉफ़ी का एक्सपीरियंस है वो ले करके जाऊँ।
सो गैस, मैंने इसीलिए आज सोचा क्यों ना आज हम लखनऊ में हैं तो स्टारबक्स में चलते हैं एंड यहाँ की जो बेस्ट कॉफ़ीज़ होती हैं कोल्ड कॉफ़ीज़ उनको टेस्ट करते हैं एंड आपको बताएंगे कि कौन सी कोल्ड कॉफ़ी सबसे अच्छी है स्टारबक्स की। सो गैस, ये आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट तो कॉफ़ी जो है मैंने फिनिश कर दी हैं एंड अभी भी गैस मेरा मन हो रहा है कि कॉफ़ी पीते ही जाएं एंड कब तक पिए जब तक पेट ना भर जाए, क्योंकि गैस यहाँ का टेस्ट ही ऐसा है कि आपका मन करेगा कि हाँ बस कॉफ़ी ही पीते रहो एंड पीते रहो। एंड काफ़ी गैस टेस्ट भी है एंड दोस्तों एम्बियंस भी है, एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा है एंड सर्विस भी काफ़ी अच्छा है। सो जब आप आएंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको खुद दोस्तों सर्विस इनकी दोस्तों अच्छी लगेगी एंड मे बी आपको प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, मुझे भी लग रहा था, बट सर्विस एंड टेस्ट तो ऑसम है यहाँ का। एंड भाई, ये कोई स्पॉन्सर या प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गैस मैंने यहाँ पे जो है आके टेस्ट किया है एंड एक्सपीरियंस किया है स्टोर को एंड देन मैं आपको जो है सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ की कॉफ़ी अच्छी है एंड यहाँ की सर्विस अच्छी है। सो मुझे कोई गैस फोर्स नहीं कर रहा है, ना ब्रांड फोर्स कर रहा है, ना स्टारबक्स का स्टोर फोर्स कर रहा है, मैं गैस सेल्फ जो है आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई अच्छा है बट कॉस्टली है। सो अगर आपका बजट दोस्तों है एंड आप अफोर्ड कर सकते हैं, सो गैस स्टारबक्स इज़ गुड स्टोर फॉर द कॉफ़ी। सो बाय द वे, मेरी दोनों कॉफ़ी फिनिश हो चुकी हैं एंड यहाँ स्टारबक्स के आपको मग्स या कप्स वगैरह जो होते हैं वो भी मिल जाते हैं। ये गैस आप लोग स्टारबक्स का किचन वगैरह देख सकते हैं एंड यहाँ से आप जो है पूरा स्टारबक्स का जो कॉफ़ी होता है वो बनते हुए भी अपने सामने देख सकते हैं कि ऑर्डर से लेकर के वो ग्लास में कैसे आपके सामने वो बनाया जाता है, आपके सामने ही गैस यहाँ पे सब दोस्तों प्रेजेंट होता है। फाइनली गैस, ये जो मेरी कॉफ़ी है ये गैस आ गई है। इस बार मैंने गैस जो है कॉफ़ी ऑर्डर किया है वैनिला जावा चिप डिलाइट फ्रैपोचिनो। ये भी गैस जो कॉफ़ी है 450 रुपीज़ की है एंड यहाँ पे जो लाइट है वो बार बार आ जा रही है। सो गैस थोड़ा सा लाइट आ जाए तब मैं जो है इस कॉफ़ी को पीता हूँ। फाइनली गैस जो लाइट है वो आ गई है एंड ये गैस जो मेरा फ़ोन है वो भी गैस ऑलमोस्ट चार्ज हो गया है 100%। वैसे गैस ये लुक वाइज मुझे काफ़ी सही लग रही है, क्रीमी क्रीमी सी, बट ये वैनिला फ्लेवर की कॉफ़ी है फ्रैपोचिनो कॉफ़ी एंड वैनिला जावा चिप डिलाइट फ्रैपोचिनो गैस इसका नेम है। वे भी गैस मैंने जो है टाल साइज में ऑर्डर की है एंड इससे बड़ा भी आता है गैस साइज़, उसको गैस वेंटी साइज़ बोला जाता है, वो गैस 595 का था, बट मुझे एक ना और कॉफ़ी पीनी है इसलिए मैंने टाली गैस सेलेक्ट किया, क्योंकि गैस मैं अगर वेंटी ऑर्डर कर देता तो मैं गैस जो है एक टाल और नहीं पी पाता, क्योंकि गैस ऑलमोस्ट जो है मेरा पेट चुस्तों भरने वाला है कॉफ़ी से। वैसे गैस इस कॉफ़ी का टेस्ट काफ़ी दोस्तों अच्छा है, बट मुझे पहले वाली जो मोका कुकी क्रम्बल कॉफ़ी थी वो काफ़ी दोस्तों इन कंपैरिजन टू वैनिला कॉफ़ी मुझे ज़्यादा बेटर लगी। बट दोस्तों ये भी कोई ख़राब नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे टेस्ट इससे उसका ज़्यादा बेटर लगा पहले वाली से। खैर मैंने 2 ग्लास वो पी ली थी तो मुझे दोस्तों और इस बार कोई डिफरेंट फ्लेवर चाहिए था तो मैंने सोचा वैनिला फ्लेवर ही क्यों ना पिया जाए। एंड दोस्तों कैरेमल का ऑप्शन भी था बट मुझे कैरेमल इतना ज़्यादा कोई पसंद नहीं है, लेकिन मोका कुकी क्रम्बल के बाद में इसको पीने में दोस्तों काफ़ी फीका फीका सा लग रहा है, बट प्राइस तीनों का दोस्तों सेम है, कैरेमल का एंड वैनिला फ्रैपोचिनो का एंड मोका कुकी क्रम्बल फ्रैपोचिनो का भी। लेकिन गैस मुझे कोई ख़ास पसंद ना आने की वजह से गैस मैंने एक और कोल्ड कॉफ़ी जो है ऑर्डर की है जिसका नाम है जावा चिप फ्रैपोचिनो। गैस उसका मैंने ऑर्डर जो है कर दिया है एंड गैस मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से गैस वो मेरे टेबल पे आ जाए। फाइनली गैस ये मेरे टेबल पे आ गई है, ये गैस आप लोग देख सकते हैं, ये गैस है हमारी फोर्थ कॉफ़ी जिसका नाम है चावा चिप फ्रैपोचिनो एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो है गैस हमारी
375 रुपीज़ या ऑलमोस्ट 400 की ये कॉफ़ी भी है हमारी। सो हाय गाइस, ये मेरी फोर्थ कॉफ़ी है एंड दोस्तों ये बिल्कुल लास्ट है समझ लीजिए मेरी। एंड दोस्तों इसके साथ भी गाइस उन्होंने मुझे पतली वाली स्ट्रॉ दे दी है, बट उन्होंने ग्लास जो है मुझे इस बार विदाउट नेम वाले में ही दिया है, क्योंकि गाइस मेरे अकॉर्डिंग ना ये जो ग्लास है ये रीयूजेबल है एंड जो नेम वाला ग्लास होता है वो गाइस सिंगल यूज़ ही होता है। सो टेस्ट वाइज तो मुझे सिमिलर ही लग रही है वैनिला फ्रेपचिनो के जैसी ही। जावा चिप का दोस्तों हल्का सा ही टेस्ट आ रहा है, चॉकलेटी चॉकलेटी सा। एंड इसकी जो प्राइस है वो 375 रुपये है। प्राइस तो खैर ठीक है पर टेस्ट मुझे, मैंने ना चार कॉफ़ी पी हैं एंड गाइस इन चारों कॉफ़ी में मुझे ना जो मैंने पहले दो कॉफ़ीज़ ऑर्डर की थी मोका कुकी क्रम्बल 450 रुपीज़ की, वो गाइस मुझे काफ़ी दोस्तों टेस्ट में अच्छी लगी इन कंपैरिजन टू लास्ट वाली कॉफ़ी जो मैं अब पी रहा हूँ। सो अगर आपको गाइस कोल्ड कॉफ़ी पीना है तो गाइस थोड़ा सा आपको बजट बढ़ाना होगा एंड दोस्तों 450 रुपीज़ की जो मोका कुकी क्रम्बल कॉफ़ी है स्टारबक्स में वो आपको पीना चाहिए। वो काफ़ी दोस्तों टेस्ट में अच्छी है एंड पीने में भी काफ़ी टेस्टी है। ये भी गैस कोई ख़राब नहीं है बट दोस्तों थोड़ा सा लाइट लाइट सा फील होता है इसको पीने में एंड वो काफ़ी थिक एंड क्रीमी कॉफ़ी होती है मोका कुकी क्रम्बल वाली। सो गैस ये कॉफ़ी जो है मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ एंड दोस्तों इसके बाद मैं लास्ट कॉफ़ी जो फिफ्थ कॉफ़ी है वो मैं यहाँ पीऊँगा एंड दोस्तों फिर मेरे पेट में दोस्तों जगह नहीं बचेगा, वरना मैं सिक्स्थ भी पी लेता, क्योंकि गैस ऑलमोस्ट मैंने टाल साइज़ की चार ग्लास कॉफ़ी तो पी ही ली है एंड लास्ट मैं फिफ्थ कॉफ़ी जो है टाल साइज़ की ही पीऊँगा एंड फिर मैं दोस्तों जो है आपको बताऊँगा कि कौन सा कॉफ़ी मुझे सबसे बेस्ट लगा एंड कौन सा कॉफ़ी आपको भी यहाँ आकर के पीना चाहिए। सो गाइस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे गाइस आप फाइनल कंक्लूज़न जो है समझ सकें कि स्टारबक्स में आखिर कौन सी जो ड्रिंक है वो बेस्ट है। एंड बाय द वे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं जो सबसे पहले पोस्ट्स होते हैं वो मैं शेयर करता हूँ। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिएगा एंड स्टारबक्स का एम्बियंस दिखने में काफ़ी दोस्तों अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पर्सन्स आते हैं वो दोस्तों काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं एंड दोस्तों रिच होते हैं। सो आप जब आएंगे इस एटमॉस्फेयर में सो आपको भी उनके जैसा करने को मन करेगा एंड दोस्तों यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप दोस्तों काफ़ी एक टाइप से रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि आपसे कोई मतलब नहीं रहता है, आप दोस्तों सिर्फ कॉफ़ी पे फोकस करते हैं या फिर आप जो वर्क के लिए आए हैं लैपटॉप पे काम वगैरह करने के लिए उस पर आप फोकस करेंगे एंड यहाँ पे आपको फ्री इंटरनेट तो मिल ही जाता है वाईफाई मतलब कि, तो आपका दोस्तों वीडियो अपलोडिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया जो कि घंटों आप बैठकर दोस्तों घर पे करते हैं वो इजीली आप यहाँ पे आ करके कैफ़े में कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे साउंड दोस्तों काफ़ी तेज एंड लाउड दोस्तों रहता है, तो आपको मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप जब भी आइए यहाँ पे तो ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के ही आइए, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक दोस्तों काफ़ी लाउड यहाँ पे रहता है। एंड ऑलमोस्ट ये मेरी फोर्थ कॉफ़ी जो है वो भी फिनिश हो गई है एंड फिफ्थ कॉफ़ी जो है मैंने ऑर्डर कर दिया है एंड फिफ्थ कॉफ़ी का मैं वेट कर रहा हूँ कि जो है वो भी मेरी जल्दी आए। एंड दोस्तों काफ़ी टाइम भी हो गया है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है एंड तब से मैं कॉफ़ी ही पी रहा हूँ, क्योंकि गैस कॉफ़ी पीने में काफ़ी टाइम भी लगता है एंड देन मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ भी एक एक करके ऑर्डर करता हूँ, देन वो प्रिपेयर करते काफ़ी गैस टाइम मेरा हो गया है एंड मुझे और भी काम है लखनऊ में। सो गैस शॉपिंग वगैरह भी करनी है एंड मॉल भी जाना है, सो जल्दी से गैस कॉफ़ी पी के निकलता हूँ एंड फाइनली मेरी कॉफ़ी जो है शेफ़ प्रिपेयर कर रहे हैं
एंड फाइनली गैस मेरी कॉफ़ी आ गई है। एंड दोस्तों ये जो फोर्थ कॉफ़ी है बहुत थोड़ी सी नीचे बची है, इसको मैं गैस बाद में पीऊँगा। एंड जो मेरी नई कॉफ़ी है इसको गैस मैं पीता हूँ पहले। सो ये आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ भी गैस इन्होंने मुझे स्ट्रॉ दिया है एंड वापस से इन्होंने मुझे पतला वाला ही दे दिया। एंड ग्लासेस दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने गैस नॉर्मली कॉफ़ी ऑर्डर किया एंड विदाउट नेम वाले ग्लास में इन्होंने मुझे फिर से दे दिया। खैर अच्छी बात है, इसमें जो नेम वाले ग्लास से क्वांटिटी है वो ज़्यादा आती है। खैर आप दोस्तों एक्सपीरियंस करिएगा एंड कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा ग्लास स्टारबक्स का पसंद है। वैसे गैस कॉस्ट दोनों की सेम ही है, बट दोस्तों पसंद सबकी अलग अलग होती है। किसी को नेम वाले ग्लास में कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है। एंड बाय द वे ये जो मेरी फिफ्थ एंड लास्ट कॉफ़ी है इसका नाम है कैरमेल जावाची फ्रैपचिनो एंड इसकी जो प्राइस है वो है 395 रुपीज़। सो टेस्ट में दोस्तों ठीक है एंड क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आ रहा है कैरमेल का। एंड ये भी गैस फ्रैपचिनो यानी कि कोल्ड कॉफ़ी है तो काफ़ी दोस्तों अच्छा लग रहा है इसको पीने में भी। एंड दोस्तों आप सोच रहे होंगे 400 400 मैंने 5 कॉफ़ी पी ली एंड दोस्तों मेरा बिल तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। खैर कोई नहीं, कभी कभी कैफ़े में भी कॉफ़ी पीना चाहिए यार। वैसे गैस जो है मेरा बिल जो है 2160 रुपये का गैस बिल हुआ है एंड दोस्तों 2160 का ये बिल दोस्तों मुझे भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, बट टेस्ट वाइज तो दोस्तों स्टारबक्स ही मुझे सही लगता है। एंड इसके अलावा गैस कोस्टा कॉफ़ी, कैफे कॉफ़ी डे एंड दोस्तों बहुत सारे कॉफ़ी के अदर ब्रांड्स भी हैं, बट जो टेस्ट स्टारबक्स में आपको मिलेगा वो दोस्तों और किसी भी दोस्तों कैफ़े या कॉफ़ी में दोस्तों आपको नहीं मिल सकता है। एंड मे बी इसी वजह से स्टारबक्स कॉफ़ी के लिए ही जाना जाता है एंड प्राइस भी स्टारबक्स का इसीलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि गैस यहाँ पे जो टेस्ट है कॉफ़ी का वो भी दोस्तों बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा यहाँ का वाइब एंड जो एटमॉस्फेयर है कैफ़े का वो भी दोस्तों काफ़ी सही लगता है मुझे। वैसे दोस्तों पर्सनली मुझे ना जो स्टारबक्स में ये जो ग्लास है विथाउट नेम वाला ग्लास, इसमें कॉफ़ी पीना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है इन कंपैरिजन टू नेम वाले ग्लास से, क्योंकि गैस इसमें जो कॉफ़ी पीने में दोस्तों जो होल्ड करने का दोस्तों ग्लास है वो काफ़ी चौड़ा है एंड दोस्तों कॉफ़ी भी इसमें नेम वाले ग्लास से थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में दोस्तों दी जाती है। एंड दोस्तों इसमें साथ ही साथ हमको स्ट्रॉ भी जो है चौड़ा वाला दिया जाता है, तो मुझे पर्सनली इसी वाले ग्लास में कॉफ़ी पीते हुए अच्छा लग रहा है। एंड ये आप लोग मेरे पीछे का जो वॉलपेपर देख रहे हैं काफ़ी दोस्तों अच्छा लग रहा है एंड इसमें भी दोस्तों टी के ही दोस्तों गार्डन्स वगैरह दिखाए गए हैं। मे बी हिमाचल प्रदेश या असम के दोस्तों ये जो गार्डन्स हैं ये दिखाए गए हैं एंड इसमें जो फार्मर्स हैं वो दोस्तों टी को कलेक्ट कर रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में आप दोस्तों आएंगे तो आपको इस पिक्चर में दोस्तों देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों ये ग्लास ऑलमोस्ट मेरे फिनिश होने वाले हैं एंड इसके साथ ही साथ इसको पीते पीते ना मेरे पेट में डकार भी आ रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मैंने कॉफ़ी पी ली है। खैर दोस्तों मैं अब अपने पेट को शांत कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि गैस इतनी चीज़ें मेरे पेट में आसानी से पचती नहीं हैं एंड दोस्तों काफ़ी महंगी भी ये कॉफ़ीज़ हैं। खैर दोस्तों कभी कभी पीना भी बनता है क्योंकि इसका जो टेस्ट है कॉफ़ी का वो दोस्तों एक नेक्स्ट लेवल का रहता है एंड यहाँ का जो वाइब है कैफ़े का वो भी काफ़ी सही है। एंड इस प्लेस पे अगर आप आना चाहते हैं तो दोस्तों आइए एंड दोस्तों कॉफ़ी को पीजिए एंड दोस्तों इसके टेस्ट को एक्सपीरियंस करिए। टेस्ट तो दोस्तों आपको सही ही लगेगा, बस आप जो है फ्लेवर जो है आप अपनी चॉइस का ही लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे चॉइस मिलेंगे एंड दोस्तों जो कॉफ़ी के फ्लेवर्स होते हैं वो भी ऐड कराने का ऑप्शन रहता है ऊपर से। गैस मेरे अकॉर्डिंग जब आप एक से ज़्यादा फ्लेवर्स अपनी कॉफ़ी में ऐड करा लेते हैं तो गैस जो फ्लेवर आपका पहले वाला होता है वो आपको रियल टेस्ट उसका फील नहीं हो पाता है एंड दोस्तों मिक्स होके जो फ्लेवर
जो तैयार होता है उसका टेस्ट कुछ अलग सा ही रहता है, तो वो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। मुझे भी दोस्तों जो बिल होता है वहाँ पे पूछ रहे थे कि आपको कोई और फ्लेवर तो आपको अपनी कॉफ़ी में ऐड तो नहीं कराना है, तो मुझे जो है मैंने मना कर दिया। मुझसे भी उन्होंने पूछा था, एंड मुझे आपको यही सजेस्ट करना है कि आप भी ऐसी गलती मत करिएगा, एंड जिससे दोस्तों आपका पैसा भी वेस्ट हो जाए एंड आपको टेस्ट भी अच्छा ना मिले। तो मैं दोस्तों आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है अलग अलग फ्लेवर्स की कॉफ़ी जो है वो सेपरेटली ऑर्डर करके पी लीजिएगा, लेकिन एक में मिक्स करा के दोस्तों कॉफ़ी मत पीजिएगा, जिससे आपका मनी वेस्ट ना हो एंड दोस्तों आप बेस्ट कॉफ़ी का टेस्ट भी एक्सपीरियंस कर सकें। जैसे दोस्तों मैं जावा चिप में कैरमल ऐड करा लेता, तो दोस्तों ना मुझे जावा चिप का कॉफ़ी का टेस्ट मुझे पता चलता एंड दोस्तों ना मुझे कैरमल कॉफ़ी का टेस्ट पता चलता। एंड जब मैंने इनको अलग अलग पिया तो मुझे दोनों का फ्लेवर गैस जो है समझ में आया कि एक्चुअल में जावा चिप का फ्लेवर कैसा है एंड कैरमल कॉफ़ी का फ्लेवर कैसा है। सो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, एंड आप स्टारबक्स में आएंगे तो ऐसी गलती नहीं करेंगे जैसी मैंने नहीं की है। सो आई होप कि ये आज का वीडियो हमारा अब आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो नीचे आ रहे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम अपने आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले रिलीज़ करते हैं। सो गैस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स या सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके लिए उनका रिप्लाई हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनल कंक्लूजन, जितने भी मैंने गैस जो है कॉफ़ी पिए उन सब में गैस मुझे जो बेस्ट फ्लेवर लगा वो गैस मुझे मोका कुकी क्रम्बल कॉफ़ी का दोस्तों टेस्ट जो है सबसे अच्छा लगा। इनफैक्ट मैंने जो वेनिला फ्रैपोचिनो पिया उसका टेस्ट दोस्तों काफ़ी सही था, बट कैरमेल वाले का कोई खास अच्छा नहीं था। बट कॉफ़ी जो है स्टारबक्स में दोस्तों सभी अच्छे हैं, बस जो सबसे अच्छा मुझे टेस्ट लगा वो मोका कुकी क्रम्बल का ही टेस्ट लगा। खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। एंड दोस्तों, स्टारबक्स में जाते हैं तो एक बार कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा एंड नीचे कमेंट में बताइएगा कि स्टारबक्स में आपने जो कॉफ़ी पिया आपको उसका टेस्ट कैसा लगा। सो गैस, मिलेंगे आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गैस, गुड बाय एंड टेक केयर।